तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि यहाँ पे शॉर्ट्स चैनल मोनेटाइजेशन होना स्टार्ट हो गया है और बहुत लोगों का यहाँ पे चैनल भी मोनेटाइजेशन हो चुका है और उन्हें यहाँ पे पैसे भी मिलने लगे हैं शॉर्ट वीडियो से, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा फर्स्ट फेब से ही यहाँ पे रेवेन्यू स्टार्ट हो गया है शॉर्ट वीडियो के ऊपर। तो आज की वीडियो दोस्तों बेसिकली यहाँ पे उसी के रिलेटेड होने वाली है। जैसे कि दोस्तों आपको भी यहाँ पे एक शॉर्ट्स चैनल क्रिएट कर लेना चाहिए अगर आप एक लॉन्ग वीडियो बनाते हो। बट दोस्तों, अगर आप ये सोचते हो कि हम यहाँ पे लॉन्ग वीडियो बनाते हैं फिर हम शॉर्ट वीडियो बनाएंगे तो यहाँ पे हमारी डबल मेहनत चली जाएगी, दो वीडियोस यहां पे क्रिएट करने पड़ेंगे। बट दोस्तों, आज की वीडियो पूरी कंप्लीट आपके लिए होने वाली है। मैं आपको ऐसे दो ट्रिक बताने वाला हूं जिसकी मदद से आप अपने लॉन्ग वीडियो को ही यूज करके यहां पे अपना शॉर्ट्स चैनल पे शॉर्ट वीडियो अपलोड कर सकते हो। आपको कोई भी अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, कोई अलग से एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा, बस आपको थोड़ा सा काम करना है और अपने लॉन्ग वीडियो को ही आप यहां पे एज अ शॉर्ट्स अपलोड कर सकते हो। इससे क्या होगा दोस्तों, अगर आपका कोई भी शॉर्ट्स चैनल इन फ्यूचर अगर वायरल होता है तो आप अपने चैनल को मोनेटाइजेशन भी कर सकते हो एकदम आसानी से। तो ऐसे मैं आपको दो ट्रिक बताने वाला। और दोस्तों, यहां पे बहुत लोगों को ये यहां पे दिक्कत आती है कि अगर हम अपने खुद के ही वीडियो लॉन्ग वीडियो को एज अ शॉर्ट्स अपलोड करेंगे तो क्या उससे चैनल पे यहां पे कोई दिक्कत होगा या फिर कोई दिक्कत आएगी। तो मैं आपको बता दूं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों, वो आपका ही वीडियो है, आपका ही वीडियो आप खुद ही अपलोड कर रहे हो तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। और दोस्तों, मैं आपको यहां पे दो ट्रिक बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर, तो पूरा यार वीडियो कंप्लीट लास्ट तक देखना, आपको एकदम इजी वे में बताऊंगा और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि कैसे अपने लॉन्ग वीडियो को एज अ शॉर्ट्स बना के आप YouTube पे अपलोड कर सकते हो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है दोस्तों, आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है यार, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना ऐसे YouTube रिलेटेड मोर कंटेंट्स देखने के लिए। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको यहाँ पे दो ट्रिक बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप चाहे तो अपने एक मेन चैनल पे ही यहाँ पे शॉर्ट वीडियो अपलोड कर सकते हो, या फिर चाहे तो दोस्तों जो मैं दूसरी ट्रिक बताऊंगा उसकी मदद से आप एक नया चैनल भी ओपन करके उस पर भी अपना शॉर्ट वीडियो डाल सकते हो। आप दोनों ही जगह यहाँ पे शॉर्ट वीडियो अपलोड कर सकते हो और आपको फ्यूचर में इससे कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो चलिए अब दोस्तों बात करते हो कौन सी ऐसी दो ट्रिक है। सबसे पहले ट्रिक की बात करते हैं तो सिंपल से, अगर आप दोस्तों लॉन्ग वीडियो बनाते हो और आपको अगर अपने लॉन्ग वीडियो को ही यहाँ पे शॉर्ट वीडियो बनाना है तो सिंपल से आपको अपना यहाँ पे वो चैनल आईडी ओपन कर लेना है जिसके ऊपर आप यहां पे वीडियोस अपलोड करते हो। फिर आपको दोस्तों यहां पे योर वीडियो वाले सेक्शन पर चले आना है। अब आपको यहां पर वो वीडियो यहां पे सिलेक्ट कर लेनी है जिस वीडियो का आपको यहां पे शॉर्ट वीडियो बनाना है। तो सिंपल से जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हो, मैंने यहां पे ये वीडियो सिलेक्ट कर ली, जैसे कि मुझे इस वीडियो को ही यहां पे शॉर्ट वीडियो बनाना है। तो जैसे मैं इस वीडियो का अगर प्ले करता हूं, और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपका चैनल मोनेटाइजेशन नहीं हुआ है तब दोस्तों आप सिंपल से वीडियो को प्ले कर सकते हो। अगर आपका चैनल यहां पे मोनेटाइज है तो सिंपल से दोस्तों आपको पहले उस वीडियो का यहां पे एडवर्टाइजमेंट को ऑफ करना होगा, उसके बाद ही आपको इस वीडियो को प्ले करना है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो वीडियो ओपन करने के बाद दोस्तों आपको नीचे सिंपल से लाइक वाले सेक्शन में ही आपको यहां पे एक रिमिक्स का सेक्शन देखने को मिलता है। जब दोस्तों आप रिमिक्स वाले सेक्शन में यहां पे क्लिक करते हो तो आपके सामने यहां पे थ्री ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, एडिट इनटू अ शॉर्ट्स, साउंड और कट का। तो चलिए दोस्तों एक एक ऑप्शन के बारे में यहाँ पर डिटेल में जानते हैं। जैसे कि दोस्तों आप एडिट इनटू अ शॉर्ट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो आप सिंपल से यहाँ पे उस लॉन्ग वीडियो को अपना यहाँ पे शॉर्ट वीडियो बना सकते हो। आपको ऊपर 15 सेकंड से यहाँ पे 16 सेकंड का ऑप्शन देखने मिल जाता है, आप उस पर टैप करोगे तो 60 सेकंड हो जाएगा और उस पर टैप करोगे तो 15 सेकंड हो जाएगा। आप जिस हिसाब से अपना शॉर्ट का लेंथ रखना चाहे वो सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे यहाँ पे ट्रिम का ऑप्शन देखने मिल जाता है, आपको पूरे लॉन्ग वीडियोज के अंदर से यहाँ पे कितना शॉर्ट वीडियो रखना है वो लेस देन 60 सेकंड तक ही आप रख सकते हो। तो आपको वो पार्ट सिलेक्ट कर लेना जिसे भी आपको शॉर्ट वीडियो बनाना है, देन आपको सिंपल से नेक्स्ट कर देना है। अब दोस्तों सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं, साउंड का ऑप्शन मिलता है, आप इस लॉन्ग वीडियो का आप एज अ साउंड यहां पे यूज कर सकते हो और बाकी आप दोस्तों वीडियो रिकॉर्ड करके एज अ शॉर्ट्स यहां पे अपलोड कर सकते हो, यानी आप अपने लॉन्ग वीडियो का ही साउंड यूज करके एक शॉर्ट्स वीडियो बना सकते हो। फिर दोस्तों आपको नीचे उसमें नेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, आप नेक्स्ट करके यहां पे वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड कर सकते हो एज अ शॉर्ट्स की तरह। फिर दोस्तों यहां पे थर्ड नंबर पे मिलता है आपको कट का ऑप्शन। कट में बेसिकली दोस्तों जब आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपका वीडियो का जो लेंथ उसमें से सिर्फ आप 5 सेकंड का ही यहाँ पे कट कर सकते हो, बाकी 5 सेकंड कट करने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। फिर दोस्तों बाकी का जो यहाँ पे पार्ट रहेगा आपको यहाँ पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप यहाँ पे अपने शॉर्ट्स वीडियो एज अपलोड कर सकते हो। आई होप दोस्तों आपको तीनों ऑप्शन यहाँ पे समझ आ गया होगा। और मैं आपको बता दूं, जब दोस्तों आप ये तीनों ऑप्शन का यूज करोगे तब दोस्तों आप अपने यहाँ पे मेन चैनल में ही यहाँ पे शॉर्ट वीडियो वाले सेक्शन में आपका ये वीडियो अपलोड होगा और इससे कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं आएगी अगर आप एक ही चैनल पर लॉन्ग वीडियो भी अपलोड करते हो और शॉर्ट वीडियो भी अपलोड करते हो। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप कोई और चैनल का यहां पे शॉर्ट वीडियो क्रिएट करना चाहते हो, जैसे और कोई क्रिएटर्स का उसका शॉर्ट वीडियो बनाना चाहते हो, तो आपको सिंपल से कोई भी वीडियो ओपन कर लेना है और बेसिकली आपको यहां पे दो ही ऑप्शन देखने को मिलता है, एक साउंड का ऑप्शन देखने को मिलता है, कट का ऑप्शन देखने को मिलता है। आपको यहां पे एडिट इनटू अ शॉर्ट्स वाला जो 60 सेकंड का लेंथ और 15 सेकंड वाला जो लेंथ का ऑप्शन रहता है वो आपको यहां पे देखने के लिए नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको दो ऑप्शन देखने को मिलता है, उसकी मदद से आप यूज करके शॉर्ट वीडियो क्रिएट कर सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं यहां पे सेकंड ट्रिक की जिसकी मदद से आप अपने लॉन्ग वीडियो के यहां पे शॉर्ट्स बना सकते हो,
और दोस्तों उस शॉर्ट वीडियो को चाहे तो आप अपने मेन चैनल पे भी अपलोड कर सकते हो, या फिर दोस्तों आप उस शॉर्ट वीडियो को यहाँ पे एक अनदर चैनल क्रिएट करके वहाँ पे भी अपलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों उसके बारे में बात करते हैं। सिंपल से जैसे आपने कोई ना कोई लॉन्ग वीडियो यहाँ पे एडिट किया होगा, एडिट करने के बाद आपने उसे गैलरी में सेव किया होगा। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपल से आपको जो भी एडिटिंग ऐप यूज़ करते हो वो ओपन कर लेना, चाहे आप काइंड मास्टर यूज़ करते हो या फिर आप पावर डायरेक्टर यूज़ करते हो। मैं आपको सिंपल से पूरा प्रोसेस यहाँ पे पावर डायरेक्टर एप्लीकेशन के अंदर करके बताने वाला हूँ। दोनों ही एप्लीकेशन के अंदर पे सेम प्रोसेस होता है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे पावर डायरेक्टर ओपन कर लिया, आपको सिंपल से न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देन दोस्तों आपको यहाँ पे रेशियो सिलेक्ट करना है, वो रेशियो आपको होना चाहिए 9:16 का, या फिर 1:1 का, या फिर 4:5 का। ये तीनों ही रेशियो में आपको अपना वीडियोज को डालना है और एडिट करना है, तभी दोस्तों शॉर्ट सेक्शन में जाएगा। ये बात याद रखना दोस्तों, आपको तीन ही सेक्शन में से कोई एक सेक्शन सिलेक्ट करना है जो मैंने आपको बताया। तो सिंपल से मैं यहाँ पे चलिए 4:5 वाला सेक्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं इस रेशियो पे सिलेक्ट करता हूँ दोस्तों, आपको सिंपल से वो वीडियो सिलेक्ट कर लेनी है, वो लॉन्ग वीडियो सिलेक्ट कर लेनी है जिसे आपको शॉर्ट्स बनाना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ये वीडियो को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया लॉन्ग वीडियो, और मुझे इसको ही शॉर्ट्स बनाना है। तो आप बेसिकली देख सकते हो पूरे स्क्रीन पर यहाँ पे इतने हाफ एरिया में यहाँ पे हमारा वीडियो आ गया लॉन्ग वीडियो। फिर दोस्तों आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो के अंदर से 60 सेकंड यानी लेस देन 1 मिनट का पार्ट यहाँ पे कट करके रख लेना है, या फिर आप जितना चाहे उतना रख सकते हो, बट दोस्तों आपका 60 सेकंड से कम ही रहना चाहिए, तभी वो शॉर्ट वीडियो के अंदर अपलोड होगा। बाकी आपको कट करके यहाँ पे निकाल देना है। इतना करने के बाद दोस्तों आपको सिंपल से इस वीडियो को यहाँ पे सेव कर लेना है गैलरी में। गैलरी में सेव करने के बाद दोस्तों अब अगर आप इस वीडियो को यहाँ पे अपलोड करने जाओगे यूट्यूब के ऊपर, तो जैसे आप दोस्तों अपलोड वाले सेक्शन में क्लिक करते हो, तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो वीडियो है वो यहाँ पे एज अ शॉर्ट्स ही शो कर रहा है, यानी आपका जो लॉन्ग वीडियो है वो यहाँ पे शॉर्ट्स बन चुका है। अब दोस्तों आप अपने यहाँ पे शॉर्ट वीडियो को यहाँ पे अपलोड कर सकते हो और आपका ये वीडियो यहाँ पे शॉर्ट सेक्शन में भी जाएगा। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी ने देखा, मैंने यहाँ पे दो ट्रिक बताए जिसकी मदद से आप अपने लॉन्ग वीडियो को यहाँ पे एज अ शॉर्ट वीडियो बना सकते हो। और दोस्तों आपको लॉन्ग से शॉर्ट बनाने के लिए आपको यहाँ पे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, फिर से रिकॉर्डिंग या फिर से एडिट करने की जरूरत नहीं, बस आपको थोड़ा सा यहाँ पे वर्क करना है जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया। आई होप आपको दोनों ट्रिक यहाँ पे अच्छे समझ में आ गए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे ही कॉन्टेंट देखने के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ में बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना ऐसे यूट्यूब रिलेटेड मोर कॉन्टेंट देखने के लिए। तो बस फ्रेंड आज के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ।